आप ले हो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। दोहरा एक दिन जाना को रंग बैठे गुरु गंभीर, प्यास लगी इधर उधर पिछो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सतगुरु जी दी साजी नवाजी गुरु खालसा सात संगत जीओ, आप जी अत्यंत बड़भागे हो जो धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र पावन चरण कमलों विखे महान जरनैल पंथ दे श्रोमणी जरनैल खालसा पंथ दे निधड़क जथेदार सिंह साहिब जी, अकाली बाबा फूला सिंह जी निहंग सिंह जी दे जन्म नगर देहला सियां विखे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की गोद का आनंद माण रहे हो। श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल पंजवां तख्त वालों श्री अखंड पाठ साहिब जी आरंभ हो चुके हैं। आदि महाराज के दसम महाराज के अखंड पाठ चल रहे हैं। नगर दियां संगतां महापुरशां की याद विच समागमां च शामिल हो रही ने, सेवा कर रही ने। 200 साल शहीदी दिहाड़ा 14 मार्च नूं श्री अमृतसर साहब बुरज अकाली बाबा फूला सिंह जी विखे समुचे पंथ ने रल मिल के मनाना है और देशां प्रदेशां विच भी पिंडां शहरां नगरां विच भी जिथे जिथे गुरु का खालसा बैठा है महापुरशां नूं याद कर रहा है। अमृत शहीद जरनैल बाबा फूला सिंह जी अकाली ऐसे श्रोमणी जरनैल हन जिन्हां दी मिसाल होर कितों लभणी औखी है। कहणी कथनी दे पूरे बचन दे बली बाबा जी दे जन्म स्थान ते आओ मन बिरतियां सतगुरु जी दे पावन इतिहास नाल जोड़ लईए। कलगीधर पिता महाराज पंथ दे वाली साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी बाजां वाले पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास सरवण करिए। सारी संगत गज वज के आखिए सतनाम वाहे गुरु साहिब, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। दोहरा एक दिन जन तोरण विखे बैठे गुरु गंभीर। सच पातशाह गरीब नवाज अंतरजामी साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन थोड़े जे सिंघां विच बैठे सन। प्यास लगी इत्त उत्त पिखियो तप बिड़बई ना तीर। जदों प्यास लगी है ते इधर उधर महाराज ने वेख्या गड़बई कोल नहीं है। जो पई नाम सो जालम सिंह पुकारियो। महाराज ने जालम सिंह दा नां लिया, जालम सिंह आवाज मारी है। जालम प्यास लगी सो हकारियो। जालम सिंह नूं महाराज कहंदे सानू बड़ी डाढ़ी प्यास लगी है, जालम प्यास लगी है, जल्दी पानी प्या भाई लिया के लियाओ साहिब जल पीवे हित। साडे पीण वास्ते पानी दा घुट बाटे विच लै के आ। इम जब बोले कृपा संकेत। इस तरह जदों कलगीधर पातशाह महाराज साहिब कुमार श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी बोले हन एक सिख सूत सुंदर तिस भारी। तां उस वेले एक लड़का जो किसे अमीर सिख दा बेटा सी और बड़ा ही सोहना सी, बड़ा सुंदर स्वरूप सी उस लड़के दा। निज स्वरूप उजल हंकारी। अपने सोहने स्वरूप दा, अपने नैन नक्शियां दा, अपने गोरे चिट्टे रंग दा उस बच्चे नूं हंकार भी सी। हर वेले शीशे सामने खलोते रहण वाला,
शीशे च पग बन्न वाला हर वेले अपना ही मुंह वेखी जावे एहो जिहा सी ओ। हां जी ओ लड़का हाथ जोड़ के बोलिया महाराज जे हुक्म होवे ते मैं पानी ले आवां तुहाडे पीण वास्ते जे आप जी ने जल छकना है ता मैं जल दा गड़वा जल दा बाटा लेके आउंदा हां। जो महाराज ने इशारा कीता ओ लड़का पानी लैन चला गया बड़े प्रेम नाल पानी दा बाटा जल दा बाटा लेके आया महाराज दे कोल पहुंचया बड़ा बाटा सुंदर हाथ विच जल दा भरिया होया कटोरा लेके आया है। सतगुरु जी नूं प्यास लगी सी किसे कवि ने एक कविता भी बनाई हुई है दसम गुरु नूं लगी प्यास सेवादार नहीं सी पास सतगुर उच्ची आवाज लगाई जल छकाना सानू भाई ते ओ लड़का जेड़ा बड़ा ही सोहना सी ते बड़ा सुंदर कोमल शरीर वाला सी सत्ते पातशाह वास्ते पानी दा बाटा लेके आया है अपने हाथ विच पानी दा कटोरा जल दा बाटा लेके आया है। कहंदे महाराज दसवें पातशाह ने ओदा बाटा ओदा जदों जल दा फड़िया ते ओदे नाल ही उस लड़के दे हाथ फड़ ले ओदे हत्थां वल वेखण लग पए सतगुरु जी मेरे पातशाह बाजां वाले सतगुरु उस लड़के दे हत्थां नूं देख के बोले कहंदे काका तेरे हाथ बड़े कोमल बड़े मलूक जे ने बड़े सुबक जे शरीर वाला सी ना ते अमीरां दा मुंडा सीगा काम कोई कीता नहीं सी ते हाथ बड़े कूले कूले सतगुरु जी ने वेखे हन ते महाराज उस लड़के नूं कहंदे काका की काम करदा हुंदा है तेरे हाथ बड़े कोमल दिसदे ने तेरे हाथ बड़े बरीक दसदे ने लड़कियां वर्गे हाथ ने तेरे ओ लड़का हाथ जोड़ के महाराज नूं बेनती करन लगा महाराज मैं जदों दा जम्मिया हां कदी कोई काम कीता ही नहीं नौकर मेरे कोल बथेरे मेरे कोल नौकर बड़े ने महाराज ओ मेरा काम करदे ने मैं तां कदी घड़े चों पानी भी पा के नहीं पीता नहाना धोना भी नौकर ही करांदे ने महाराज मैं कदी कोई काम नहीं करदा पातशाह रावर सिख जोई हे महाराज जिहड़ा तुहाडा सिख है हर कुटुंब की सेवा कोई और तुहाडे सिखां दी सेवा जां मैं अपने परिवार दी सेवा तां की करनी है मैं तां अपनी सेवा नहीं कीती कदी मैं तां आप मंजे ते बैठा हुन्ना नौकर फटाफट पानी लिया के पियांदे है जो मुंह तो कहना नौकर काम करदे ने हे महाराज मैं कदी भी अपने हथां नाल कोई सेवा नहीं कीती आज कटोरा जल को आज पहली बार महाराज मैं पानी दा कटोरा लेके आया तुहाडे वास्ते मैं इन्हां हथां नाल कदी किसे नूं पानी भी नहीं पियाया पहली बार जिंदगी विच सच्चे पातशाह जी अज मैं काम करन लगा ओ ए है कि आप जी ने पानी मंगया ते मैं सच्चे पातशाह तुहाडे लई जल दा बाटा लेके आया हे गरीब नवाज सतगुरु जी आप जी ए कृपा करके अंगीकार करो हथ मेरे इस करके कूले हन कि मैं कदी इन्हां हथां नाल कोई काम नहीं कीता मैं आप बाटे भर के ए जल तुहाडे वास्ते लियाया हां होर मैं कदी किसे दा अपना काम भी नहीं कीता ते कदी किसे दा बगाना काम नहीं कीता सदा नौकरी मेरा काम करदे ने मैं तां मंजे ते बैठा हुक्म ही दिंदा हां
उसे वेले दुध पानी लस्सी जो भी पीना खाना होवे हाजिर हो जाता है। नहाना धोना भी नौकर नाल लग के करवाते हैं। कभी मैं कभी कपड़ा नहीं धोया, कभी मैं कोई बाटा नहीं मांजिया, कभी महाराज मैं सेवा नहीं कीती। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब करगी तर पातशाह उस लड़के की गल सुन दे सार बाटे चो जल डोल दिता आखो सतनाम श्री। प्यास बड़ी लगी सी, पानी पीना सी, पर जदों उस लड़के ने पानी लियांदा ते महाराज ओहदा कूड़ा हाथ वेख के पुछदे ने काका कोई काम नहीं करदा। ओ कहंदा जी मैनू काम करन दी लोड़ ही नहीं, नौकरी मेरे काम करी जांदे ने। सच्चे पातशाह ने पानी डोल दिता है। महाराज कहन लगे इस पानी नू को सिख दा कुछ सिख दा भैड़े सिख दा हाथ लग गया है। आखो श्री वाहे, जेड़ा सिख नहीं है ओदा हाथ लग गया है। पान करन के उचित ना रहयो, ए साडे पीण जोगा पानी नहीं है। साध संगत जी जहां तहां का जो खाए प्रसाद, मेरा सिख ना आद ना जुगा। असी जिथे किथे वेख के खा लैने, अगले की किरिया नहीं वेखदे, उही साडी बुद्धि ते असर पै जांदा। इस करके महाराज कहंदे जिहदा कोई रहत नहीं है, जाकी रहत न जानिए गुरबाणी नहीं प्रीत, तिसका भोजन खाए के बिसरे हर की प्रीत। जिहड़ा कोई तंबाकू पींदा है, बीड़ियां सिगरटां पींदा है, होर माड़े काम करदा है, उहदे हथ दा तुसीं जल पाणी छकोगे बिरती तुहाडी खराब हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल है। बुढ़े दल दे विच साध संगत जी बड़ा करड़ा विवेक पहरा क्यों रख्या जांदा है, बई असी जिहो जिहा खावांगे उहो जिहा साडा मन हो जांदा। आखो सतनाम श्री। ते विवेक दे पहरे नाल जिहड़ी बिरती है ना उत्तम रहिंदी है, बड़ा इहदा फल मिलदा है विवेक दे पहरे दा। महाराज कहिंदे कच्चे पेले दा हथ लग गया जिहने कदी सेवा ही नहीं कीती, असी इहदा पाणी नहीं पीणा, डोल दिता सतगुरु जी ने। सुन कर पाए त्रास मसाला, सुन के साध संगत जी वह डर गया। सिख जिहड़ा सी ना लड़का, जदों महाराज ने उहदा पाणी नहीं पीता लिआंदा होया, ते बल्कि कह दिता भी कोई सिख दे हथ दा पाणी असी नहीं पींदे, ता वह लड़का बड़ा भयभीत होया, बहुत ज्यादा डर गया है। ते उस लड़के ने सतगुरु जी दे चरण फड़ लए, फटाफट उन्हें महाराज के पैर फड़ा, शर्मिंदा जा हो के वह लड़का बोलिया, महाराज मैं तो गुरु घर का कदीमी सिख हाँ, मेरे पिता जी भी सिख ने, मेरे दादा जी भी सिख ने, उन्होंने माता पिता वड्डे वडेरे भी गुरु नानक के सिख ने महाराज, ते प्यो दादे तो मैं गुरु घर का खानदानी सिख हाँ। मैं कर दी जिन्ना कोई सिद्क नाल सेवा करेगा गुरु दी ओनी उत्ते कृपा होवेगी। पर काका तू सिख ते कुआया अपने आप नू, सेवा तू कदी किसे दी कीती नहीं हथा नाल। हो सिखा ए गुरु दी मत दा निचोड़ तेनू दसन लगे। आखो श्री वाहे। सार कहंदे जिवें साध समिति दुध तां मक्खण कढ लिया ना, तिलां चों तेल कढ लईए, निचोड़ कढ़ी सारी गुरु दी मत दा निचोड़ दसन लगे दसवें पातशाह। हांजी सतसंगत की सेव उदार, कहंदे सिखी दा जे कोई निचोड़ कढे ना, सिखी दा निचोड़ है वी साध संगत दी सेवा। आखो श्री वाहे। गुरु के सिखां दी सिखां की टहल कमावनी। अज आपां गुरु की सेवा किवें करिए, जे आपां दसां पातशाहियां की सेवा करनी चाहिए भी महाराज की, आपां मुठ्ठी चापी करिए, गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं जल पाणी छकाईए, जां गुरु महाराज के कपड़े धो दईए, गुरु महाराज नूं पक्खा झलीए, गुरु महाराज दसां गुरुआं की कोई सेवा करिए, किवें कर सकते हैं अज आपां, क्योंकि शरीर करके तां हुण महाराज के दर्शन नहीं होने। कहिंदे फिर गुरु साहब की सेवा का यही तरीका भी गुरसिखां की सेवा कर लो, खालसे की सेवा कर लो, शहीदां फौजां की सेवा कर लो, इहदे विच ही गुरु बैठा है। आखो श्री वाहे। खालसा मेरा रूप है खास, खालसे मैं हूँ
करो निवास। ये जिहड़ी सेवा है ये तुहानू लोक पर लोक सुखी सुहेला बना दिंदी। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना होमे विच्चों जाए। महाराज कलगीधर पातशाह कहिंदे काका हाथ तां सेवा नाल ही पवित्र होने ने, हत्थां नूं साफ करन दा पवित्र करन दा यही तरीका है। जे आपां कहीए वी सेवा ना करिए ते हथ साडे पवित्र हो जाण, हथ जूठे रहणगे, हथ तां सेवा नाल ही सुचे होणगे। ते पैर किवें पवित्र होणगे, हथ तां सेवा नाल पवित्र होणगे, हथ गुरु ते चरणां दी टहल करके पवित्र होणगे। पर बंदे तेरे पैर गुरु घर वल जाएगा, यात्रा करेगा तां पवित्र होणगे। जिन्हां चरणां नाल गुरु घर वल तुर के जाइए वह चरण पवित्र हो जाते हैं, जिन्हां हत्थां नाल गुरु की सेवा करिए वह हथ पवित्र हो जाते हैं। संतां महापुरशां दे तीर्थां दे और संतां महापुरशां दे अस्थानां ते जाना, तीर्थां ते जाना, गुरुद्वारियां दी सैर यात्रा करनी। पुराने रहतनाम्यां विच लिखिया निहंगा सिंघां दे बारे कि चक्रवर्ती रह के गुरुद्वारियां दी सेवा करे, एक गढ़वा सरबलोह दा कोल रखे। चोपा सिंह दे रहतनामे च भी आउंदा, एक गढ़वी सरबलोह की रख है, तीर्थों में गुरुधामों में विचरता रहे विहंगम होकर, एक रात तो बाद दूसरी रात गुरुद्वारे ना ठहरे। ये है निहंगवां दी मर्यादा जो श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़े दल तरने दल विच अज भी कायम है। बाकी तो सारे साडे वर्गे सुखां च फस गए, आराम च पै गए, आपां तीर्थां गुरुधामां दी यात्रा भुल गए। साडी ये मर्यादा एक गुरद्वारे तो दूजे गुरद्वारे जाना। सिंह साहब जी जथेदार बाबा संता सिंह जी अकाली 96 करोड़ी महापुरशां दे नाल फौजां छोटे हुंदिया जदों विचरियां देखिया नज़ारा, बस दे विच बाबा जी रहिंदे सन। एक पिंड तो कथा करनी प्रचार करना, फिर दल ने दूजे पिंड जाना, फिर बाबा जी ने उत्थे जा के प्रकाश इस तरह ही खंड पाठ प्रकाश हो जाने ते बाबा जी ने कथा करनी। साढ़े पंजोखरा साहब अंबाले अस्थान है, असी छोटे छोटे नाल दल दे बाबा जी ने कथा करनी, बाबे खड़क सिंह होरां ने पढ़ी जाना ते सचखंड ही बन जाना। जदों बाबा जी संता सिंह जी अकाली जी कथा करते सी ना, साध संगत जी देवते भी स्वर्ग तो आके कथा सुनते सी, ऐसा आनंद दल पंथ विच हुंदा सी। सो ए पंथ की मर्यादा है, एक पिंड तो दूजे पिंड जाके गुरु का प्रचार करना, अखंड पाठ साहब करने, अमर संचार करना, सिखी का इतिहास लोगों नूं दसना, फिर ज्यों ज्यों फौजां भर्ती होई जाण उन्हां नूं दल पंथ दे नाल तोरना, उत्थे दसना भी घोड़े की सेवा किवें करनी है, देख लंगर की सेवा किवें करनी है, बहना किवें है। मर्यादा हुण साडे विच सतकार जो ज्ञानी मगर सिंह जी बुढ़े दल के हैड ग्रंथी पुरातन ये मर्यादा जानते हैं, जिन्ना चिर इन्हां दा शरीर है सानू इन्हां कोलों मर्यादा सीखनी चाहीदी है। आखो श्री वाहिगुरु, पुराने सिंघां तों सिख्या ही आपां नूं पता लगना वी आह मर्यादा इवें आ, इह मर्यादा इवें आ। तो जे ये गैब पै जाए मर्यादा नवी चल पैंदी है, पिछली अलोप हो जाती है। आखो श्री वाहे। सो खालसा जी, गुरु घर की मर्यादा संतां दे तीर्थां दे दर्शन करन जाना पैरां नाल, ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दस रहे हैं। कहिंदे सारे ग्रंथ वेद शास्त्र गीता कुरान पुराण सारे कहिंदे है भी जदों कोई गुरु घर विच चल के जांदा है उहदे पैर पवित्र हो जांदे ने, जदों गुरु दे दर्शन करदा उहदियां अखां पवित्र हो जांदियां। नेत्री सतगुर पेखणा सरवणी सुनणा गुरनाउ, सतगुर सेती रत्या दरगह पाई हेठाउ। हांजी, सकल रखी कसमेत शरीर, आ जिहड़ा वाहिगुरु ने सानू शरीर दिता है इहदे च पंज ज्ञान इंद्रियां फिट कीतियां ने, पंज कर्म इंद्रियां कीतियां ने। ज्ञान इंद्रियां केड़ियां ने? अखां, कन्न, नक, चमड़ी ते जीभ, ये तां ज्ञान इंद्रियां ने।
कर्म इंद्रियां केड़ियां ने? हाथ पैर वाक उपस्त ते गुदा, ये कर्म इंद्रियां ने। ये सारिया ही पवित्र हो सकदियां ने। किवें? इन्हां नूं गुरु घर च ला दिओ, अखां नाल गुरु दे दर्शन करो, अखां पवित्र हो जाणगियां। कन्नां नाल बाणी सुनो, कन्न पवित्र हो जाणगे। हत्थां नाल गुरु की सेवा करो, हथ पवित्र हो जाणगे। हांजी, कहिंदे शुभ कर्म करने, महाराज बाणी च भी कहिंदे शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो। सेवा करनी धीरज दे नाल, संतां महापुरशां की सेवा करनी, खालसे की सेवा करनी, घोड़ियां की सेवा करनी, देख लंगर की सेवा करनी, गुरु घर के भांडे मांजने, सरबलो के बाटे मांजने का बड़ा फल है सात संग। सानू तो बजुर्गों ने बाबा सुचाला सिंह जी, निहंग सिंह उन्होंने नाल जदों बचपन च उन्होंने गड्ढा बाटिया भरया हों, जहाज हों बाबा को, उन्होंने को जहाज के उत्ते पुराने निहंग सिंह जानते, बाबे मगर सिंह पता होना, हनुमान रखे बांदरियां नाल ही कूकर रखे होंगे सी, ते सरबलो का पहरा रखना, बाटे मांज मांज के जिवें चांदी चमकती है इवें चमका के रखना। सो महाराज सच्चे पातशाह कहते सेवा करे ते गुरु घर के भांडे मांजे। चंगे काम कोई भी ने, केड़े केड़े गिणिए करने ने? चंगा कोई भी काम है सेवा दा ओ करना, जेड़ा माड़ा कर्म है ओनू छड़ना, त्याग करना ओदा। हां जी, कहते सेवा करके अपना शरीर पवित्र कर लो भाई। काका तू कदी सेवा कीती कोई नी? तू आप ही कह रहे भी मैं कदी किसे नू पानी नी पिया, पहली बारी जिंदगी अज पानी पिया रहे तुहानू गुरु जी। काका फिर सेवा तो बिना दे हाथ नहीं पवित्र होंदे। तेरा शरीर जूठा ही रह गया, अपवित्र ही रह गया, तेरा शरीर पवित्र नहीं होया। काका सेवा तो बिना तेरी देह इस तरह है जिवें मुर्दे दी देह हुंदी है। मुर्दे दा शरीर अपवित्र मन्या जांदा है। बंदा जदों चढ़ाई कर जांदा है ना डेड बॉडी, भावें सक्का भरा ही होवे ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖਚਤ ਸਾਬਨ ਹੈ ਕਰੇ ਛੁਆਵਨ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਸੇਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੇਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਜੂਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਹ ਅਪਾਵਨ ਹੈ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, तेरे हाथ दा पानी असी डोल दिता है नहीं पीता, क्यों? तू सेवा नहीं कीती कदी। जेड़े हाथ ना कर दे कार, दुनिया उत्ते हुंदे भार, जेड़े हाथ कार नहीं कर दे, काम नहीं कर दे, दुनिया दे भार हुंदे है। हांजी, गुरु महाराज का यह उपदेश उस लड़के ने सुनिया ते समझिया, ते बड़ी निम्रता नाल सतगुरु जी को अपनी भुल बख्शवाई। महाराज मैनू माफ कर दियो, मेरे तो गलती, मैनू पता नहीं सी, मैनू ज्ञान नहीं सी, मैं कदी सेवा नहीं कीती गुरु जी। महाराज सच्चे पातशाह संतां दी, सिखां दी दे आए हुए अभ्यागतां दी अतिथि कहिंदे जिहड़ा साध संगत जी बिना डेट दित्तिआं आ जावे, बिना डेट दित्तिआं, तरीक कोई नहीं, आपे ही आ गया, फौजां शहीदी पहरे जी प्रगट हो गई, पता नहीं सी वी उहने आउणा। अज कल रवाज पै गया जे कोई किसे दे घर जाणा होवे पहले टैलीफोन करना पैंदा वी मैं आ जावां तूं घर ही है, वो कहिंदा हाँ आ जा, पर अज ते मैं फलानी जगह ते जाना सी, चंगा तू कल आ जी, परसों आ जी। ते जदों टैलीफोन हुंदे नहीं उदों लोकी इदां ही आ जांदे सी,
अजकल वर्गे लोग होंगे तो उन्होंने पानी भी ना पीते कहते कोई नहीं जी आया नू आ गया घर घर आया तो मां जाया आखो श्री वाहे जिहड़ा घर आ जाए ना वह मां जाया भरा ही हों तो यह हूँ घर आ गया इनू चाह पानी पियाईए दुध पानी पियाईए सेवा करिए प्रशादा छकाईए ये फर्ज है गृहस्थी का। हाँ जी तो वह लड़का फिर साध संगत जी सेवा कर लग पाया कोई गरीब आवे उहदी सेवा करनी कोई संत महात्मा आवे उहदी सेवा करनी कोई विद्वान ज्ञानी पंडित पढ़िया लिखा आवे उहदी सेवा करनी कोई बिना डेट दित्ते अचानक ही घर आ जाए रिश्तेदार आ जाए कोई सज्जन मित्र आ जाए कोई राह जांदा राही भी आ जाए उहनू भी जल पानी छकाना उस लड़के ने फिर ए मर्यादा धारण कर ली तन मन धन ते सेव करता हुण ओ लड़का तन नाल भी सेवा करता है मन नाल भी सेवा करता है धन नाल भी सेवा कर तन मन धन ते सेव करता हुण सेवा करन लग पिया है ओहे भला मेरो चित बंता सेवा कादे नहीं करता सेवा इसलिए करता मेरा भला होवेगा गुरु ने कहा ना गुरु का बचन मन लैण साडा भला है। हाँ जी सिख संगत बिख कर बहु सेवा उस लड़के की सेवा संगत वेखदी है अगे जिन्हें कभी आप पानी पी नहीं घड़े चो पा के पीता वह हुण संगत नूं जल छकांदा है प्रशादे वरतांदा है लंगर के जूठे भांडे मांजदा है संगत के जोड़े झाड़दा है गुरु घर च झाड़ू फेरदा है जे ओहदे घर कोई साधु संत आ जाए तो ओहदी भी सेवा करता है ते सिख ओहदी सेवा वेख के महाराज नूं आके दसदे महाराज ओह फलाना लड़का जिहदा तुसीं पानी डोल दिता सी ओह हुण बड़ी सेवा करता है ओह नौजवान हुण दिन रात सेवा च लग गया गुरु ने जीवन बदल दिता आखो श्री वाहे साध संगत जी दो ही चीजा ने सेवा ते सिमरन सेवा तो बिना सिमरन भी नहीं होंदा ते सिमरन तो बिना सेवा नहीं होंदी ये भी गल पक्की है सेवा तो बिना बह के तुसीं वाहिगुरु करो नहीं होना भांडे मांजोगे काम करोगे नाल सेवा करोगे तो मुँह चो वाहिगुरु निकलेगा आनंद आवेगा अच्छा वाहिगुरु करोगे तो तुहाडा जी करेगा सेवा भी कर लईए जिन्हें नाम नहीं जपना नास्तक बंदा फेसबुक के उत्ते बैठा सारा दिन मक्खियां मारी जाए वट्सअप के उत्ते ही हाथ घुमाई जाए उन्हें बाटा की मांजना उन्हें गड़वा की मांजना उन्हें घोड़े की किल्लत चुकनी है उन्हें की सेवा करनी लंगर की उन्हें की सेवा करनी है दरबार की जिहड़ा सारा दिन फेसबुक च फसया होया खालसा जी सो सेवा जिहड़ी है ना ये सिमरन नाल हुंदी सिमरन इन्हां चीज़ां तों हटा दिंदा ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਵੇਖਾਂਗੇ ਦੱਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਲਮਾਂ ਗੱਪਾਂ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਇੱਧਰ ਮਨ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਲੜਕਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਤਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ बड़े खुश होए सतगुरु जी खुशी करी पात छिन तन उस लड़के ने बड़ी खुशी की थी जदों गुरु कृपा कर दे उस वेले बंदा धन धन हो जाता गुर कृपा जे नरको कीनी ते एह जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद सिओ ज्यो पानी संग पानी महाराज ने कृपा की लड़का धन हो गया इतनी कथा उचार सुनाई ए कथा भाई राम कोइर जी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी दी अंश बंश साहब सिंह लिखारी
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਾਧੀ ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਧੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਾਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਐਸੇ ਅਚਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਥਾ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕਥਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ, ਇੱਥੇ ਬੁੱਢਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਸਮਾਧ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ, ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਧੀ 'ਚੋਂ ਜਾਗੇ। ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਂਦ 'ਚ ਤਾਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਐਸੀ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਦਾਤਣ ਕੁਰਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਖਾਰੀ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਕਥਾ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਮਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਮਦਾਸ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਹੁਣ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀਓ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਖਬਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਦੀ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਖੰਡਵਾ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ, ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਦੇ ਕਸਾਈ, ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਚਟੰਗਾ ਝਟਕਦੇ ਆ। ਮਰਯਾਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, 84 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਟੰਗਾ ਝਟਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਮੀਟ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਝਟਕਦੇ,
ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਯਾਦ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਬਾਟੇ 'ਚ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਮਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਖੰਡੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਰਯਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ, ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਵੈਸ਼ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਯਾਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੁਣ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਮਤ 1781 ਬਿਕਰਮੀ, ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਕਥਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਥੋੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਬੋਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਕਹੀਏ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਡਬੋਲੀਏ 'ਚ, ਗੜਵੇ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਟੇ 'ਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਛਿੱਪੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਡਬੋਲੀਏ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਤੀ, ਪੂਰੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
जेड़ा कथा सुन लवे जो ये कथा सुने अर गावे दुख पाप ते निकट ना आवे उदे दुख पाप सारे मिट जांदे जेड़ा कथा सुनदा प्रेम नाल सिखी होए शरदा उर पारी ओनू सिखी दी प्राप्ति हो जांदी है उदे मन च शरदा पैदा हो जांदी है गुर करुणा ते चार पदार्थ गुरु महाराज दी कृपा हुंदी है चारे पदार्थ उस सिख दे घर आ जांदे हैं पाए कथा ते पुरब है सारथ कहंदे कथा नाल सारा कुछ मिलदा है कथा विच बड़ी शक्ति है चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लग जे कोई चार पदार्थ चाहुंदा गुरु दी कथा सुन लग जावे संगत जाके उनु चारे पदार्थ मिल जांदे हैं सुनो प्रीत कर श्रोता सारी हे श्रोता जनो कथा प्रेम नाल सुनिया करो रुचि नाल ध्यान नाल सुनिया करो एदा भुख लगी होवे कथा दी भी अगे की होना अगे की बोलणगे ज्ञानी सिंह एदा दी रुचि नाल कथा सुनो फिर देखो तुहानू किन्नी कृपा मिलदी है किन्नी बख्शिश हुंदी है कहो कथा गुरु की विस्तारे ए गुरु दी कथा भाई राम कोहर जी ब्रह्म ज्ञानी दस रहे ने खालसे नू सुना रहे ने भीम चंद ते आद पहाड़ी राजा भीम चंद ते होर कई पहाड़ी राजे दिल्ली पठियो वकील अगारी कठे हो के इन्हों ने दिल्ली बादशाह दे कोल वकील भेजा है बादशाह तां गया होया औरंगाबाद हैदराबाद वाल उधर दक्षण वाल हजूर साहब वाल पर दिल्ली जो दा बिठाया होया सूबा रहिंदा है सूबे दे कोल राजिया ने वकील भेजे हन तिन कह पठियो सबन के पास ओ वकीलां नू सिखा के भेजा है राजिया दे राजिया ने बई जा के बादशाह वालों फौजा लेके आ खर्चे दरबा काज होए रास कहंदे वकील नू सिखाया भी जिन्ना मर्जी रिश्वत लई पैसा देना पवे सूबेदारां नू देना है ते ओ पैसा खर्च के आपां गुरु गोबिंद सिंह नू मरवाना है आखो सतनाम श्री वाहिगुरु हिंदुस्तान दा पैसा लोकां दे खून पसीने दी कमाई हिंदू राजे उस गुरु नू मरवाना चाहुंदे है जिहड़ा हिंदू धर्म नू बचाना चाहुंदा आखो श्री वाहिगुरु ये लोग होंदे आ जिहड़े साध संगत जी छोटी सोच वाले अपनी कौमां नू अपनियां जथेबंदियां नू अपने पंथ नू अपने देश नू नुकसान पहुंचा लैंदे आ बाद च पछतावा ही रह जांदा है देखो भीम चंद राजा कहिंदा बादशाह नू जिन्ना मर्जी पैसा दे दिओ एक बारी गुरु गोबिंद सिंह नू मरवा दिओ शाहो निकट सूबे सुध लिखी कहंदे सूबे दे कोल इन्हां ने 1,00,000 रुपया रिश्वत दा दिता 1,00,000 रुपया उस जमाने अज दा तां 1,00,000 रुपया कुछ नहीं 100 साल अज तो 300 साल पहला 1,00,000 रुपये की किन्नी वैल्यू सी इन्हां ने बादशाह नू खुश करन लई सूबेदार नू खुश करन लई रिश्वत दित्ती है तो जाए ऐसी कुछ दिखी कहंदे उस सूबेदार ने रिश्वत लै के एक चिट्ठी लिखी है बादशाह वाल इन्हां राजिया ने सलाह कीती आपस विच कहंदे आपां चिट्ठियां तां लिख के भेजदे आं बादशाह वाल सूबेदारां वाल उन्हां नू काम बड़े ने उन्हां ने साडियां चिट्ठियां नाल नहीं फौज भेजनी उन्हां ने पैसे लै के कोई काम करना है हिंदुस्तान दे खून विच साध संगत जी रिश्वत बढ़ गई है असीं अमेरिका कनेडा दूजे मुल्कां नू रोने आ वी उधर जाइए उत्थे जाण दी लोड़ क्यों पै रही है उत्थे इन्ना कुछ नहीं जिन्ना साडे देश विच है साडी धरती ते बहुत कुछ है पर दिक्कत यह है भी असीं रिश्वत खोर हो गई सरकारां भी अफसर भी वड्डे छोटे वड्डी लै के होर दा होर ही करी जांदे आ सो बादशाह दा सूबेदार साडा काम नहीं करेगा जे असीं उहनू रिश्वत ना दित्ती कहंदे एक दो वार इन्हां ने भीम चंद सब संग बिचारा राजिआं दी मीटिंग सद्दी दो तीन वारी मीटिंगां सद्दियां राजे भीम चंद ने सारे राजिआं नाल सलाह कीती है कहंदे ऐदा करो पैसे कठे करो भाईचारा रल मिल के
पैसे कठे करके ते औरंगजेब नूं भेजिए सारिया तो पैसे कठे करके बाई धार दे राजिया ने किसी ने 1000 रुपया पाया किसी ने 2000 किसी ने 5000 ये पैसे कठे कीते और बड़ी निम्रता नाल बेनतियां कीतियां कि सूबेदार जी साड़ी पग दा सवाल है गुरु गोबिंद सिंह ने साड़ी नक च दम कीता होया रोज ओदियां फौजां आउंदियां ने साडे जंगलां चो बालण वढ के लै जांदियां ने साडे जंगलां चो घा पट्ठा गुरु गोबिंद सिंह दे सिंघ लुट के लै जांदे ने साडे जंगलां चो शिकार मार के लै जांदे ने सिंघ असी तंग आए पए आ तू इना सिखां दा कोई इलाज कर असी तेरे ताबेदार हां जे बादशाह तू साडी सहायता नहीं करेगा तो हम किस ता असी फिर किहदा आसरा लवांगे क्योंकि बादशाह देश दा माई बाप हुंदा है ते बादशाह नूं छड के असी हुण होर किहदे बादशाह कोल जाइए किहड़े कोल जा के बेनती करिए मिंतरला करिए साडे लई तां तुसी ही बड़ा वड्डा आसरा हो ए सूबेदार जी तुसी साडी सेवा लई बैठे हो सूबेदार बन के ए तां इना भीम चंद ते बाई धार दे राजिया ने दिल्ली दे सूबे वाल चिट्ठी लिखी है एक लख रुपया जमा कराया इकट्ठा करके 1 लख रुपया आपस च पहला इकट्ठा किया बाई राजिया ने किसी ने 2000 किसी ने 5 किसी ने 4 किसी ने 10 जिनी किसी की समर्था सी 1 लख रुपया जाके दिल्ली जमा कराया भी गुरु गोबिंद सिंह नूं मार दिओ असीं होर पैसे देंगे तुहानूं हांजी ते राजिया ने जदों पैसे जमा करा दिते सूबेदार कोल दिल्ली फिर आपस च बह के गल्लां करदे ने बस हुण थोड़े दिनां दी गल रह गई है बादशाह दीआं फौजां आउण वालीआं ने बादशाह फौजां भेजेगा फिर गुरु नूं दसांगे आपां इक वारी इकट्ठे हो के जोर लाणा ते गुरु गोबिंद सिंह नूं आनंदपुर तों कढ देणा है आपस दे राजे हस हस के गल्लां करदे जदों रात नूं पैग शग लांदे ने ते घुट पी के फिर गल्लां मारदे ने आ वेख्या जे हुण आपां देखांगे गुरु गोबिंद सिंह नूं हुण आनंदपुर थोड़ा रहण देंगे भजा देंगे उन्हां नूं बादशाह दीआं फौजां आउण दी देर है फिर आपां गुरु दा किला ढा देंगे आनंदपुर उजाड़ देंगे आ जिहड़ा 1 लख रुपया आपां दित्ता ना ये अपना एवें नहीं गया ये सफल गया है इहदा सानू फायदा होवेगा ये 1 लख रुपया खर्च के आपां रोज दी लड़ाई मुकानी है गुरु गोबिंद सिंह नूं इत्थों कढवाना है गुरु गोबिंद सिंह चला गया फिर आपां सुख नाल जीआंगे एदा रात नूं पार्टी करदे शराबां पींदे राजे गप्पां शप्पां मारदे बह के ते उड़ीकां करदे आ राजे भी बादशाह दी फौज कदों आएगी दिल्ली तों इन्हां दा 1 लख रुपया दिल्ली पहुंच गया सूबे पास दियो ओ सारा सूबेदार नूं जमा करा दिता सूबेदार नूं 1 लख रुपया मिल गया कर लालच दिन सबरो लीना सूबेदार भी लालची सन राजे शी मुकदम कुत्ते महाराज गुरु नानक देव जी लिखा कलयुग राजे ते बन गए बघियाड़ ते नौकर बन गए कुत्ते बघियाड़ तां किसे नूं मारदा उहदा सारा तरदा तरदा माल खा जांदा पिछे रह जांदियां हड्डियां माड़ा मोटा मास ओह कुत्ते चट जांदे आ कहिंदे जिहड़े गरीब जनता है सानू पहलां दा वड्डे राजे सरकारां ही खा जांदियां ते जे कोई सरकारां तों माड़ा मोटा बचदा पिछे ओह अफसर खा जांदे आ इस तरह की यह बिरती बनी हुई वह अफसर भी लालची सन उन्होंने रिश्वत लैके गुरु कलगीधर के खिलाफ 1 लख रुपया लिया ते 10 लख फौज की तैयारी करवानी चाहते है उन्हें फौज भेजने के लिए तैयारी की दिल्ली तो
ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਮੁਗਲ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਸੀਗਾ ਅਫਸਰ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਬੜਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੀਨਾ ਬੇਗ। ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ 5000, ਉਹ 5000 ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕਾਜ ਵਖਾਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਪੁਆਏ, ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਕਹਿਲੂਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਦੂਣ ਪਹਾੜ ਦੀ ਦੂਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਹਿਲੂਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਬੜਾ ਭੜਥੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਤੂਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪਰਵਾਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਦੱਖਣ 'ਚੋਂ, ਹੇ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਤੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੈਂਡੇ ਖਾਨ। ਇੱਕ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਤੇ ਪੈਂਡੇ ਖਾਨ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੈਂਡਾ ਖਾਨ ਡੱਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਡੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ। ਇਹ ਵੀ 5000 ਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, 5000 ਹੀ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੈਂਡੇ ਖਾਨ। ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਦੀਨਾ ਬੇਗ, ਦੂਸਰਾ ਪਠਾਨ ਪੈਂਡੇ ਖਾਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਨਿਜ ਕੱਜ ਕੱਟ ਕੋ ਪੈਂਟਾ ਦਿਓ, ਅਰ ਜਮਧਰ ਕਰਵਾਰ ਲਿਆਵੋ, ਚੰਡੀ ਬਾਂਧ ਕੇ ਨਾਤਰ ਡਰੋ ਮਾਰ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਫਸਰ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਤੇ ਪੈਂਡੇ ਖਾਨ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੋਪਖਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰੂਦ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 10000 ਫੌਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ 10000 ਫੌਜ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਲੂਰ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇ ਫਰਲੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਲੇ ਲਹਿਰਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੱਖਾਂ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਤੇ ਪੈਂਡੇ ਖਾਨ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੈਂਡੇ ਖਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
रस्ते च पड़ा करते 40-50 मील दे रात रहिंदे हन ते सवेरे तुर पैंदे हन। श्री आनंदपुर साहब दे नेड़े आ गए ने दीना बेग ते पेंडे खान। सुन कर राजे होया कर त्यार। उधर राजा नूं भी खबर मिल गई भी दिल्ली तों फौज आ गई है। राजे भी तैयार होए ने जंग करन लई कलगीधर पातशाह नाल। अपनी राजपूत सेना, पहाड़ी सेना, गुजरां दी सेना, रंगड़ां दी सेना, बाई धार दे राजयां दी, मीणियां दी, मियां दी, ते ए सारे राजे राणे लखां दी तादाद विच कट्ठे हो गए ने। दिल्ली दी आ रही फौज नूं मिलण दे कई मंजल अगों दी जाके मिले ने उहनां नूं। तुरकां संग मिले हर खाए ते तुरकां दा स्वागत कीता, खुशी नाल तुरकां नूं जी आया आख्या है। भीम चंद कहलूरी राए। राजा भीम चंद कहलूरपति वीर सिंह जसपाल मिलाए। और वीर सिंह जसपालिया राजा नाल रल गया है। और मदन पाल राजा शारमोर देश दा राजा गया है। इन्हां ने दिल्ली तो आए हुए जरनैल दीना बेग नूं ते पेंडे खान नूं फिर माया दित्ती है, होर माया दित्ती, भेटा दित्ती, घोड़े दित्ते, शस्त्र दित्ते, ते उन्हूं मिले हन, स्वागत कीता है उसदा। गुर की बात सकल समझाई। राजे भीम चंद ने, वीर सिंह ने, मदन पाल ने, बाई धार दे राजिया ने आए हुए दिल्ली तो अफसरां नूं, पेंडे खान नूं ते दीना बेग नूं गुरु गोबिंद सिंह दे बारे सारी जानकारी दित्ती है। इस प्रकार इत धूम उठाई। ये भी दस्या है कि गुरु गोबिंद सिंह ने साडे इलाके च बड़ा फतूर पाया होया, खालसा खालसा करके सिंह सजा दिते ने, ते हर वेले अकाल ही अकाल करदे रहिंदे ने, घोड़िया ते चढ़ के आउंदे ने साडे इलाके चो शिकार मार के लिजांदे ने, घा पठा वढ के लिजांदे ने, सानू धौंस दिंदे ने, किसे तों डरदे नहीं, एहो जे सिंह सूरमे गुरु ने पैदा कर दिते ने। गुरु गोबिंद सिंह दी जिहड़ी फौज है ओ कोई बहुते बहादुर योधिया दी फौज नहीं है, ओ तां कट्ठे कीते जट बूट झीवर तरखाणा, ओ की जानन तेग नूं हाथ की कू पाणा, जट झीवर नाई छीमे तखाण बाणीए, एदां दीआं जातां दे लोक गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी फौज च पा लए ने। इधरों उधरों ए दीवियां जातां दे लोक कट्ठे हो के दल बनाई बैठे ने जिहनूं खालसा कहिंदे ने। आपां तगड़े हो के गुरु गोबिंद सिंह नाल दो हथ करिए ते आनंदपुर दा किला गुरु कोलों छुड़ा लईए। जे गुरु रहना चाहुंदा है ना, गुरु गोबिंद सिंह नूं कह दईए भी जे रहना है तां फिर शांतमई ढंग नाल रवे, जिवें गुरु संत महात्मा रहिंदे ने उवें रवे। गुरु नूं की लोड़ है बंदूकां दी, गुरु नूं की लोड़ है घोड़ियां दी, गुरु नूं की लोड़ है हथियारां दी, ओ गुरु होके शिकार क्यों खेडदा है, ओ गुरु होके साडे इलाके विच दमदमांदा फिरदा, लुटदा मारदा है। असीं उहनूं एक वारी चैलेंज कर दईए, समझा दईए, जे मन जावे ठीक है, नहीं तां आनंदपुर तों कढ दईए। तुसी दिल्ली तों आए हो जनाब, तुसी गुरु गोबिंद सिंह नूं बरज दिओ, रोक दिओ भी साडे इलाके विच अगे नूं फतूर ना पावे, अपने सिखां नूं काबू च रखे। गुरु गोबिंद सिंह नूं कह दिओ भी अज तों बाद अपना दल साडे इलाके च ना भेजे, उहदे सिंह आउंदे ने सत श्री अकाल कह के छिकार मार के लै जांदे ने, पट्ठे वढ के लिजांदे ने घोड़ियां लई, अते लकड़ां बालण लै जांदे ने लंगर लई, साडा इलाका उजाड़ जांदे ने। इह काम बंद कर दवे गुरु, रहना ज रही जावे, असीं कुछ नहीं कहिंदे, पर गुरु बन के रवे। उहदा राजा बणिया होया, उहदा बादशाह बणिया होया, उहदा घोड़े रखदा, हाथी राजा महाराजा दी तरह कलगियां लांदा, उहदी शान बणी है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ,
होर तां कोई गल नहीं, महाराज किसी का कोई नुकसान नहीं सी करते, ना महाराज किसी का इलाका लुटते सी, ना किसी का राज खोंदे सी, बल्कि सतगुरु तो सबना का भला मनाएगा, सब का भला करते सी। पर पहाड़ी राजे झूठे इल्जाम लाते कि गुरु दे सिंह साडा इलाका लुटते ने, सानू खतरा है गुरु तो, गुरु नू कह दियो कि ओदे सिंह साडी खेती का नुकसान ना करिया करन, बस जे रहना ते अपने पिंड आनंदपुर टेक के रही जावे, आराम नाल टेक के शांतमई ढंग नाल। जे गुरु कवे भी मैं फौजा रखनी है, फिर असी नहीं रहन देना। इस तरह राजयां दे बाई धार दे राजे, वो जिहड़े दो अफसर आए ना दिल्ली तो, दीना बेग ते पेंडे खान, उन्हां दे कन्न भरी जांदे, उन्हां नूं समझाई जांदे ते नाल लैके आए ने। रोपड़ तो नाल रल गए ने ते रोपड़ तो फौज अगे चल पई है, ते फिर श्री कीरतपुर साहब तो भी अगे लंघ गई है फौज, ते श्री आनंदपुर साहब दे नेड़े फौजा पहुंच गई। आनंदपुर साहब दे नेड़े जा के साध संगत जी बड़ा भयानक युद्ध होएगा, ते उस युद्ध दे विच सतगुरु कलगीधर पातशाह ते उन्हां दे खालसे ने जो अपने जाहो जलाल अपने सुंदर जंग दे ढंग तरीके वरते हैं और जंग जितया है, वह खालसे दे जोर आपां अगे सरवण करांगे। समय दे लिहाज नाल समाप्ति है। हे गोबिंद, हे गोपाल।